तो गाइस खबर तो आपके पास पहुंच चुकी होगी कि पोको ने X3 Pro के ग्लोबल लॉन्च में प्राइस पॉइंट को लेकर सबको शॉक कर दिया है। और अभी बारी है इंडियन मार्केट की, क्योंकि 30 मार्च को ये डिवाइस ऑफिशियल इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो लगभग 3 साल के बाद ही सही आखिरकार पोको फैंस को कुछ तो ऐसा देखने को मिला जिसका वो पिछले काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे पोको की तरफ से आने वाले एक फ्लैगशिप किलर फोन पोको X3 Pro के बारे में। इस डिवाइस में से क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं जो इस डिवाइस को इतना खास बनाते हैं, और इंडिया के अंदर ये किस प्राइस पॉइंट के ऊपर आएगा, सारी डिटेल्स को लेकर बात करेंगे। तो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना, और पोको X3 Pro से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना कोई टाइम गवाए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पोको X3 Pro जिसका सबसे बड़ा की हाईलाइटेड फीचर है इसका प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 जैसा फ्लैगशिप चिपसेट आपको मिल रहा है, वो भी 20,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ग्लोबल मार्केट में ये डिवाइस 199 यूरो के प्राइस पॉइंट के ऊपर लॉन्च हुआ है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 17,000 रुपए के करीब। और इस प्राइस सेगमेंट में 860 जैसा फ्लैगशिप चिपसेट मिलना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जो डिवाइस है परफॉर्मेंस बेस्ड डिवाइस होने वाला है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। स्नैपड्रैगन 860 का चिपसेट जो कि 865 की ऑलमोस्ट सिमिलर है, या मैं कहूँ कि 865 को ही यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है। 2.9 GHz पर क्लॉक करता है, 7 NM बेस है, एड्रिनो 650 का GPU है। तो गेमर्स के लिए जो डिवाइस है बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि प्रोसेसर को लेकर यहाँ पर और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट को भी सपोर्ट करता है। और ये जो डिस्प्ले है इस बार आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की जगह गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो ये काफी अच्छी चीज है। हालांकि कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपको एक IPS LCD पैनल ऑफर किया गया है, बट अगर प्रोसेसर और प्राइस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर इस चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। एक सुपर AMOLED पैनल नहीं देने का जो रीजन है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। बाकी डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन बिल्कुल वैसा सही है जैसा आपको पोको X3 के साथ में देखने को मिलता था। कैमराज डिसेंट है, रेयर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप, 48+8+2+2, फ्रंट में आपको 20 MP का सेल्फी मिलता है, 5160mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 6GB और 8GB दो वेरिएंट के अंदर ये डिवाइस अवेलेबल है, जहां पर आपको 128GB और 256GB के जो स्टोरेज ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। रैम टाइप की बात करें तो LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, और जो स्टोरेज है वो यहां पर आपको UFS 3.1 का देखने को मिलता है। तो स्टोरेज टाइप यहां पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जैसे कि ने बताया कि ये डिवाइस गेमर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, तो यहां पर आपको लिक्विड कूलिंग जैसा फीचर भी इस डिवाइस के साथ में देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस Android 11 के ऊपर आएगा, जो कि MIUI 12 बेस है, साथ में पोको लॉन्चर। इसके अलावा सभी तरह के सेंसर्स का सपोर्ट मिल जाएगा, और 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है उसका भी सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ में देखने को मिलेगा। तो देखो, ओवरऑल स्पेक्स की बात करें तो काफी कमाल के हैं। अब सवाल आता है कि प्राइस पॉइंट क्या रहेगा, तो पोको ने ऑलरेडी इस चीज का हिंट दे रखा है कि जो प्राइस पॉइंट होगा वो पोको F1 की तरह काफी अग्रेसिव होगा। अब गाइस आप ये चीज तो जानते हैं कि जो ग्लोबल प्राइस होता है वो इंडियन प्राइसिंग से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डिवाइस है 17-18 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो जाएगा। भले ही पोको एक सेपरेट एंटिटी बन चुका है, बट आप और मैं ये काफी अच्छे से जानते हैं कि अभी भी ये जो ब्रांड है ये शाओमी के अंडर ही काम करता है। तो कोई भी ब्रांड अपने लिए कॉम्पिटिशन कभी भी क्रिएट नहीं करेगा, और जैसा कि आप जानते हो कि अभी रिसेंटली रेडमी नोट 10 सीरीज ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च हुई है, तो अगर पोको X3 Pro का प्राइस 17-18 हज़ार रुपए रख दिया जाता है तो ये डिवाइस सीधा से इफेक्ट करेगा रेडमी नोट 10 Pro की सेल को। तो इस डिवाइस का एक्चुअल प्राइसिंग 20,000 से ऊपर होगा, Redmi Note 10 Pro Max और Mi 10i के काफी सिमिलर होगा। अब जिसको एक बेटर डिस्प्ले चाहिए, बेटर कैमरा चाहिए और परफॉर्मेंस नॉर्मल चाहिए, तो वो Redmi Note 10 Pro Max के साथ में जा सकता है। अब जिसका रिक्वायरमेंट 5G है वो इस प्राइस सेगमेंट में Mi 10i के साथ में जा सकते हैं। अब बचा परफॉर्मेंस, तो जिसको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, काफी ज्यादा जबरदस्त चाहिए, तो वो पोको X3 Pro के साथ में जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये लोग कस्टमर सेगमेंट को डिवाइड करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप क्या सोचते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। बट एक चीज मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ कि ये जो डिवाइस होगा मार्केट में बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर देगा। तो लॉन्च को ज्यादा दिन नहीं बचा है, क्योंकि ये डिवाइस 30 मार्च को ऑफिशियल इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप पोको X3 Pro के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो।